नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं काजल गुप्ता। राजस्थान के अलवर स्थित थानागाजी इलाके में 5 युवकों ने पति के सामने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, साथ ही वारदात का वीडियो भी बना लिया। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस मामले में सबसे ज्यादा शर्मनाक काम पुलिस ने किया है, जहाँ चुनाव की वजह से पुलिस ने इस मामले को 4 दिन तक दबाए रखा। मामला उस समय सामने आया जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सबके साथ न्याय की बात करने वाली कांग्रेस सरकार के राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। चाहे उदयपुर वाटी में 6 नाबालिगों समेत 8 दुष्कर्म के मामले हो या फिर सीकर में दुल्हन अपहरण मामला, हर जगह सरकार की संवेदनहीनता सामने आई है। वहीं अगर चौमू की बात करें तो 2 नाबालिग सगी बहनों से दुष्कर्म किया गया है और अब ये अलवर का सामूहिक दुष्कर्म मामला आपके सामने है। पुलिस को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं चुनाव में सरकार को नुकसान न उठाना पड़ जाए, जबकि एसपी राजीव प्रचार को मामले का 2 मई से ही पता था। जब मामला तूल पकड़ रहा है तब एसपी राजीव प्रचार का भी बयान आया कि 2 मई को दोनों पति पत्नी मेरे पास आए थे, उसी दौरान मैंने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस और सरकार से बेखौफ बदमाश ने पीड़ितों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। अब आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या था। 26 अप्रैल को पीड़िता अपने पति के साथ लालवाड़ी गांव से तालवृक्ष जा रही थी, जहां रास्ते में थानागाजी अलवर बाईपास से कुछ ही दूर पर 2 बाइक पर आए 5 बदमाशों ने उनके आगे गाड़ी लगा दी और पति पत्नी को पकड़ कर जबरन रेत के बड़े टीलों की ओर ले गए, जहां उन्होंने महिला के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। इसके बाद 5ों ने मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया, जबकि पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में आरोपियों में से 3 के नाम भी बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ ही उसका वीडियो भी बनाया और पति को जान से मारने की धमकी दी। हैरानी वाली बात तो यह है कि अब भी बदमाश पीड़िता के पति को फोन कर धमका रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी छोटेलाल गुर्जर कराना गाँव का रहने वाला है, वही अशोक गुर्जर भी बांसुर का ही रहने वाला है। पुलिस की संवेदनहीनता की हद तो देखिए। जब थाना इंचार्ज सरदार सिंह का कहना है कि मामला ऐसी महिला का है इसलिए हम नहीं बता सकते थे, इसके लिए उच्च अधिकारी अधिकृत है। हालांकि वीडियो में आरोपी के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, साथ ही नामजद रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन पुलिस सिर्फ लीपापोती में लगी हुई है और राजनीतिक आंकड़ों की तामीरदारी में व्यस्त है। उधर आज पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ अलवर के थानागाजी में सर्व समाज की मीटिंग आयोजित हुई, जहां हजारों लोग मीटिंग में मौजूद हैं। बता दें ये मीटिंग थानागाजी के शिव बगीची में चल रही है, जहां विधायक कांति मीणा के साथ ही मीणा समाज के अन्य लोग भी मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में और भी नेता पहुंच सकते हैं। आखिर दुष्कर्मों का ये सिलसिला और सरकार की अनदेखी का अंत कब होगा? फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।